अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाले को गुरु का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया गया है। साल 2024 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। आ जाता है कि इस दिन वेदों के रचयिता गुरु वेद व्यास का जन्म भी हुआ था। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है। इस दिन अपने गुरु के समर्पित होकर कोई भी कार्य करना विशेष महत्व बताया गया है। गुरु पूर्णिमा के महत्व को लेकर हमने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका शुक्ल पक्ष में आगमन होता है रविवार के दिन, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो विशेष बात क्या है, यह गुरु पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग में आ रही है, इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि जहाँ सर्वार्थ सिद्धि योग होता है उसमें सभी प्रकार के हमारे कार्य हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं धर्म कर्म संबंधित कार्य, उसमें हमें संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा में विशेषकर गुरु की पूजा होती है, अर्थात गुरु का और भी मतलब है, जैसे गुरु बृहस्पति सर्वोच्च गुरु बृहस्पति होते हैं। तो जिन्होंने भी आध्यात्मिक शिक्षा, योग की शिक्षा और जो पुस्तकों की शिक्षा, जैसे हम अपने कई विद्यालयों में पढ़ते हैं और हमारे गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो सभी गुरुओं का इस दिन सम्मान किया जाता है। और जो गुरुओं के गुरु हुए हैं प्राचीन काल में, महर्षि पाराशर जी के पुत्र मुनि वेदव्यास जी, उस दिन उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म का एक डंका बजाया हमारे भारत में, अपने गुरुओं के प्रति हम श्रद्धान्वित होकर के, श्रद्धा से विनम्र होकर के, उन अगर वो हमारे गुरु इस समय हैं उनके चरणों में हम चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें और उनके लिए कुछ न कुछ हम भेंट भी दे सकते हैं, वस्त्र वगैरह कुछ अपना, जैसे अपना कोई मिष्ठान है, वस्त्र है, अन्न है, कोई भी उपहार स्वरूप हम उनको दे सकते हैं, और जिससे कि हमें उनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। यही पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा का महत्व है।